देश में आम बजट को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इस बार मोदी सरकार के बजट से क्या निकलेगा, ऐसे में सबकी निगाहें कल की आम बजट पर है। नमस्कार, मैं सतीन शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष 24-25 का बजट पेश करेंगी, लेकिन बजट पेश करने से पहले एक दिन पहले ही सरकार संसद में जनता के सामने देश की सेहत का पूरा लेखा जोखा रखती है। इसे इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वे कहा जाता है। यह बेहद महत्वपूर्ण होता है और अगले दिन पेश होने वाले बजट की एक पूरी तस्वीर पेश करने वाला होता है। भारत में हर साल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है और इससे पहले 31 जनवरी को पेश होता है आर्थिक सर्वेक्षण। ये इकोनॉमिक सर्वे दरअसल पेश होने वाले बजट का मुख्य आधार होता है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश की जाती है। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का आईना होता है, जिसके जरिए मौजूदा सरकार इकोनॉमी की ताजा हालात के बारे में बताती है। इसमें ग्रोथ के ट्रेंड से लेकर किस सेक्टर में कितनी पूंजी आई और देश में तमाम योजनाएं किस तरह से लागू की गई और ये कितनी बड़ी थी, इसके बारे में जानकारी शामिल होती है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी नीतियों की जानकारी भी शामिल होती है। यही कारण है कि इसे अगले दिन पेश किए जाने वाले बजट का मुख्य आधार भी माना जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस आर्थिक सर्वे में की गई सिफारिशों को सरकार लागू ही करे। सर्वे रिपोर्ट में सरकार की नीतियों, प्रमुख आर्थिक आंकड़ों और क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों की डिटेल होती है। इकोनॉमिक सर्वे को 2 हिस्सों में पेश किया जाता है। इसके पहले हिस्से में इंडियन इकोनॉमी की हालत के बारे में बताया जाता है, तो वहीं सर्वे के दूसरे हिस्से में प्रमुख आर्थिक आंकड़ों को पेश किया जाता है। बजट डॉक्यूमेंट्स की तरह मुख्य आर्थिक सलाहकारों के मार्गदर्शन में इस जरूरी दस्तावेज को भी तैयार किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 और 1951 में पेश किया गया था। तब आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के एक पार्ट के रूप में पेश किया गया था। हालांकि 1964 में इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग कर दिया गया था। तब से केंद्रीय बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की प्रथा बन गई है। हालांकि हर साल बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है, लेकिन इस बार इसे पेश नहीं किया जाएगा। इसकी वजह है कि अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट की स्थिति में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश नहीं किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।